potential at the surface of charge. Clear? देखिए, let यह आपका एक स्फीयर है, इस रेडियस इस कैपिटल आर एंड चार्जेस क्यू. ऑब्वियसली द चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एरिया. कोई डॉट क्लियर और नॉट? अब क्या है बेटे कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है. जरा याद कर बेटे, E is equal to minus dV by dr. Electric field intensity is zero, so zero is equal to minus dV by dr. That is minus dV equal to zero. समझ में आ रहा है? तो dV equal to zero it means what? It means either V equal to constant और V इक्वल टू जीरो. पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है, दोनों को माइनस किया जीरो हो गया. या फिर पहले भी टेन था, अभी भी टेन है, दैट इज इक्वल टू जीरो, दोनों को माइनस किया. नाउ सपोज हियर इज, हमें पोटेंशियल निकालना है. पोटेंशियल हमने पढ़ रखा है, क्या है बेटे पोटेंशियल? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. So let suppose this is the boundary line, this is field, and this is infinity. We carry Q naught charge from here. Clear? So from here to here, work done will be zero. Now, as we start from here, so at this point, Gauss theorem yaad karo. Because of this charged sphere, electric field intensity at a distance of x, समझ रहे हैं ना? Outside the sphere, this charged sphere behave as a point charge capped at the center. तो here electric field intensity जब Q naught यहाँ पे पहुंच गया बेटा, तो इस point पे electric field intensity will be equal to K into capital Q divided by x का square. तो इस Q नॉट चार्ज पे यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा बेटे? K इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. एनी डॉट? फिर से समझाऊं बेटे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स E इंटू क्यू होता है, वो वेदर इट्स कॉन्स्टेंट और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर है? आई डोंट नो क्यू वेदर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम हियर टू हियर और नॉट, but at this point if the electric field intensity is kq by x square, then the force will be equal to kq by x square into of q naught. Any doubt? Now from this formula we comes to the conclusion that the electric field intensity is variable here, because k into q divided by x square, where x is the distance. So as we move towards the sphere or move away from the sphere, value of x will change. That's why the value of electric field intensity will also change. So as E is inversely proportional to x square, that is variable. Hai na? Yes, no. So we can assume E to be constant. E to be constant for dx tends to zero. Samajh mein aa raha hai, nahi aa raha hai? So work done. यानी डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री. फिर से समझाओ क्या? अरे एफ एक्स इधर के लिए लगा, क्योंकि जब तक मुझे कोई चार्ज का साइन ना दिया जाए तब तक मैं चार्ज को कैसा मान के चलता हूं? पॉजिटिव. तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करेगा, तो एफ एक्स इधर के लिए लग रहा है. तो हम जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी इक्वल टू इन दिस डायरेक्शन, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स.
तो एक्सटर्नल फोर्स इधर के लिए, dx भी इधर के लिए, आप इधर लेकर के जा रहे हो, इन्फिनिटी से इधर के लिए मूव कर रहे हो, तो माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ जीरो, समझ में आ रही बात, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब देखो बेटे, फोर्स यहां से लेकर के यहां तक वेरिएबल है या नहीं है, तो यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा आपको, पहले ये सोच लेते हैं। तो दैट इज जीरो टू डब्लू और ये इंफिनिटी टू कैपिटल आर, यही ना, वैल्यू पुट कर बेटे, दिस इज डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह पे लिख सकते बेटे के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट क्यू नॉट डॉट डीएक्स इंटू कॉस जीरो वन, और इसका इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेकर के कैपिटल आर तक, समझ रहे हो बेटे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट। अब इधर अंदर में देखो बेटे क्या है, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके आर तक, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट इन टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटे तो ये तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करना है, समझ में आ रही बात, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन इंफिनिटी टू आर, यहां पर साइड में कर देते हैं, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट बेटे, माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा, कट गया ना, हो गया बेटे आपका के इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू वन अपॉन एक्स जिसकी वैल्यू इंफिनिटी से लेकर के आर तक, तो W विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट वन बाय आर माइनस वन बाय इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी विल बी इक्वल टू जीरो एंड W विल बी इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये है वर्क डन विच इज इक्वल टू, और दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, समझ में आ रही बात, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रही बात। अब मुझे वोल्टेज चाहिए तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू नॉट, तो हमने यहां से निकाला तो K Q बाय R, समझ में आ रहा है, तो हमारे सरफेस पे आ गया, कोई डॉट है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस आ गया। अब हमें सीखना है कि पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, yes। चलिए तो मैं यहां से लेकर के यहां तक पहुंच रहा हूं स्मॉल आर तक, क्लियर, तो ये डिस्टेंस कितना बचा बेटे, कैपिटल आर माइनस आर, क्लियर है। चलिए तो अब फ्रॉम सरफेस टू एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, समझे बेटे, मैं इसके बारे में बात करता हूं, तो क्या है बेटे कि चेंज इन पोटेंशियल That is equal to work done per unit charge, यही होता है, तो इस पॉइंट का नाम A दे दो, इस पॉइंट का नाम B दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, तो work done that will be equal to, वहां पर कितना फोर्स लग रहा होगा बेटे, सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल कितना है ये पता है ना आपको, इतना है, ठीक है, वहां पे फोर्स कितना लग रहा है, के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, लग रहा है पॉइंट फोर्स इतना इंटू डीएक्स, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, बदल रही होगी, yes। और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेकर के, आर से लेकर के स्मॉल आर तक, कोई डाउट है, बट देखो बेटे ये सिर्फ सरफेस पे है, As soon as r becomes smaller, x becomes smaller than r, f will be equal to कितना, जीरो, तो w is equal to हो गया जीरो into dx, मतलब यहां के बाद जैसे ही आप अंदर पहुंचे यहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू दैट इज इक्वल टू डीवी, क्योंकि इस बार हम इंफिनिटी से लेकर कहीं जा रहे हैं,
अगर मैं इन्फिनिटी से चल के किसी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचता हूं तो ये वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं है कॉन्सेप्ट? क्लियर। तो क्यू डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? डीवी। पक्का हमारा डब्ल्यू कितना है? जीरो डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज इक्वल टू डीवी। डीवी इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बट इस पॉइंट का पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू जीरो। वी ए की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वी बी विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। समझ में आ रहा है? ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि इस सरफेस पे जितना हो गया मुझे, इसके अंदर भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। इसे आप जस्ट एन एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो बेटे कि मैं मॉर्निंग से चला, इवनिंग तक मैं कमाता रहा, इवनिंग तक आते आते मेरे पास क्या होंगे? मैक्सिमम पैसे होंगे क्योंकि मेरी कमाई वहां तक है। इवनिंग के बाद मेरा वर्क क्या हो गया? बंद हो गया। मेरी फैक्ट्री क्या हो गई? बंद हो गई, जहां पर मैं काम कर रहा था। तो उसके बाद से लेकर के टाइम तो पास कर रहा है, मेरे पैसे भी बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 बजे या फिर 7 बजे हमारी फैक्ट्री बंद हो रही है, तो 7 बजे मेरी जेब में आज की दिहाड़ी मिल गई 700 रुपए, ठीक है। 8 बजे भी मेरी जेब में कितना होगा? 700 रुपए। 9 बजे भी मेरी जेब में कितना होगा? 700 रुपए। सुबह के 4 बजे भी कितना होगा? 700 रुपए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस इज द कोर पॉइंट।